पौड़ी के कोटद्वार में निजी बैंक में लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 205 ऋण पात्रों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने समेत रोजगार शुरू करने की अपील की। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग सेवाओं में बहुत बदलाव हुआ है, जिस कारण अब सरकार की हर योजना को बैंक से जोड़ दिया गया है, जिसका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलने की सुविधाएं हुई हैं। उन्होंने कहा, पहले बड़े लोगों को ही आसानी से बैंकों की तरफ से लोन मिला करता था, लेकिन अब वंचित लोगों को भी बैंक से लोन आसानी से मिल रहा है। प्रदेश में इसके लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। उन्होंने लाभार्थियों से ऋण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। कोटद्वार से राजवेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। कमाना है तो बहुत जिम्मेवारी, 50% हम महिलाएं हैं, तो मैं जैसे बार बार कहती हूँ, इस देश का, इस प्रदेश का, इस कोटद्वार की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। किस तरह का समाज होगा, किस तरह का विकास हम चाहते हैं, किस तरह से कोटद्वार को और विकसित, सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित किस तरह से हम बना सकते हैं, इस सब में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और किस तरह से हम अपने साथ साथ अपनी बहनों को, आप आज बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आप यहाँ तक पहुंच पाई, लेकिन बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अभी घर पर होंगी, इतनी ही मेहनत करती हैं।